हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद वन एंड अदर व्लॉग। तो गाइस आज के दिन ये था दूसरा व्लॉग, ठीक है, ये अभी चल रहा है भाई दूसरा व्लॉग। तो हाँ मोहसिन भाई कैसा यार ये मतलब जिंदगी यूट्यूबर क्या एक दिन में दो व्लॉग ये जिंदगी है यहां से ये। तो गाइस यहां है सर का घर मतलब इस साइड से। तो जैसा कि आपको बताया था उस व्लॉग में कि हम दूसरे व्लॉग में जाएंगे सर के पास, अब ये सर के तरफ जा रहे हैं, देखते हैं सर हमें मिलता है या फिर नहीं, सर के पास टाइम है नहीं हमारे लिए। साईं को कॉल किया आप लोगों ने? नहीं कॉल की हमने, बता नहीं, देखते हैं भाई चलते हैं। तो गाइस ये था हमारा सर जिसके लिए मैंने आज एक ही दिन में दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है सर। बड़ी पहले तो हम गए थे कल्चर डे पे, वहाँ से मतलब हम होकर आए, वहाँ से अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया था। अब मैंने कहा कि सर के जाए ये बड़ी बात है भाई बड़ी बात साईं ने कॉल थी अच्छे सर, दुआएं वाले। ओ भाई ये हमारे दूसरे दोस्त आ गए। ये वालेकुम सलाम, घर निकली है ये हमारा बासित भाई। वाह 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 वाह, यहाँ से अभी जा रहे हैं, सर ने कहा कि अंदर चलते हैं। हाँ मोहसिन भाई बाहर मच्छर हुआ मोहसिन, ओ लुंड बाहर मच्छर हुआ ना, मच्छर साईं ने कब्जा किया है। ये सर ने कब्जा करके रखा है यार, कम में यहाँ पे होता है ना अपनी रख दिखाएगा। तो गाइस ये मतलब सर ने अपने गांव से कुछ लड़के मंगवाए। अस्सलाम वालेकुम, साईं पढ़ाई दो बाबा सलाम जो जवाब दियो हथ दिंदा हलो हथरीदा। अस्सलाम वालेकुम, अब आप पढ़ो था। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन पढ़ोगे क्या? डॉक्टर थिंदा छा थिंदा डॉक्टर तू छा थिंदे SHO तू छा थिंदे दो इंजीनियर अदा तू कर्नल थी जा। वाह वाह, अदड़ी तू ऑफिसर थी जो आ पड़ी। वाह 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 वाह, गाइस ये मतलब संगत आई है बाहर थी यार, सर्दी लग रही थी और अपना सर ने कहा कि चलते हैं अंदर, बाहर मच्छर भी थे। हाँ भाई, हाँ मच्छर बहुत मच्छर थे। और साईं सुना आपकी तबीयत ठीक है? आज सर सब माशाल्लाह ये खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह की मेहरबानी है भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये अपना जमाली के साथ जो हुआ मैं नहीं बता सकता होता रहता है। फिलहाल अच्छा बंदा है, थैंक यू सो मच, आप लोग आए मजा आया सर। हम लोगों ने कहा कि सर के पास चल के मतलब ये मोहब्बत है आप लोगों की। लुंड साहब ने आके मुझे वहां से, वाह 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 लुंड साहब, वाह वाह मेहरबानी लुंड साहब। बस आपको मजा आया भाई, आपने जो ये रैली अरेंज की थी यार बहुत मजा आया इसमें कसम से। अदा आपको मजा आया ये जो कल्चर डे हुआ था ये? हाँ अख्तियार भाई सऊदी, हाँ भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सर ने इसका नाम रखा था सऊदी, वो है ये सर। मेरा बताना इसका नाम क्या है? बस नहीं बता सकते आप बताना। तो गाइस अभी बैठे हैं, सर ने चाय का इंतजाम किया है भाई, देखते हैं अभी सर की चाय कैसी सर बनवाता है सर। A few moments later. ओहो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये सर ने चाय मंगवा ली है, अच्छा लग रहा है। वाह वाह जबरदस्त यार, कटो कटो आ दो मेहरबानी बाबा मेहरबानी कुर्बत। वाह भाई वाह वाह वाह, सर की तरफ से चाय और ऊपर से एक रस की। वाह तो क्या तो शहर में। हाँ मोहसिन भाई कैसा है रस के यार? बहुत अच्छा यार, ये बम्बई बेकरी जैसा ही ने मंगवाया हमारे लिए। वाह है तो गाइस अभी ये सर से बहुत कचहरी वगैरह कर ली है, शुगर लगा लिया, तो अभी ये वैसे एंडिंग है मतलब के सर से जुदाई राह जुदाई कर रहे हैं। हाँ हाँ सर 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 अल्लाह सर लव यू सर, आपने बहुत हमारी खिदमत की सर। कोई मत सर, अभी अभी व्लॉग नहीं बना सही सर, और मेरे सब्सक्राइबर को हाँ भाई इसको सब्सक्राइब करते रहे, ये सपोर्ट करते रहे ये तो वेरी गुड ठीक है। थैंक यू साईं, ओके अल्लाह पास शुक्रिया, बाय बाय अल्लाह हाफिज, मेहनत करो पढ़ो है ना साईं। तो गाइस अभी मैं अपने घर पहुंच गया हूं यार, सर से मिलके बहुत 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 खुशी हुई और कसम से बहुत मज़ा भी आया। ये सर से मिलने का एक ही मकसद था कि मतलब आपके आगे एक बहुत बड़ा मैसेज लाना था मुझे, वो मैसेज ये था कि यार ये जो सर था मेरा ये अभी मेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ठीक है, तो इसकी स्टोरी ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए।
अब आपको बताएं कि मेहनत में अजमत है, तालीम से लगन और अंथक मेहनत की वजह से सिंध यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड अली रजा खोसो मेहरान यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बन गया। रिपोर्ट करेंगे जामशोरू से फहद जावरी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस मुहावरे की अमली तफसीर बने अली रजा खोसो जो आज मेहरान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं। जामशोरू के इस नौजवान ने इल्म की प्यास बुझाने के लिए 10 बरस की उम्र में अपना गांव ही छोड़ दिया। इब्तदाई तालीम के बाद जामिया सिंध में एंट्री दी, लेकिन फीस के पैसे न होने पर इसी दरसगाह में गार्ड बन गया। 7 साल तक रात में सिक्योरिटी ड्यूटी और दिन के वक्त पढ़ाई। अली रजा की ये मेहनत रंग लाई और ये नौजवान मेहरान यूनिवर्सिटी में मेरिट पर लेक्चरर बन गया। अपनी जो इंटरमीडिएट थी वो मैंने रेमियर खान के एक साथ का बाद इकरा कॉलेज है वहाँ से पास की। उन्होंने भी मुझे स्कॉलरशिप वगैरह दी, काफी देखा कि भाई बच्चा टैलेंटेड है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पर, तो 4 साल मैंने वहाँ से बैचलर्स की। पैसे तो खत्म हो गए, कहते भाई आप वापस आ जाओ आप, तो मैंने कहा यार यहाँ तो मुझे आकर अकल आई है, तो वापस जाना तो बिल्कुल गलत होगा, कुछ ना कुछ मैं ढूंढूं, तो मैं ढूंढता फिरता। अली रजा खोसो अब अपने गांव के 10 से ज्यादा लड़कों का तालीम का खर्चा बर्दाश्त कर रहा है। ये नौजवान हकीकत में इल्म का एक मीनार है। आ हा 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 हा, यार ये थी सर की स्टोरी। मतलब कसम से इतना हार्ड वर्क सर ने किया कि अभी वो आसमान पे है भाई। मतलब अपनी लाइफ में अभी सर बहुत खुश है, बहुत उसने हार्ड वर्क किया, बहुत मुश्किलात देखे, बहुत उनसे मतलब फाइट की, मतलब वो बैक उन्होंने नहीं किया भाई, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए और अब माशाल्लाह से वो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो गाइज आई होप के आपको इस व्लॉग से बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपने मकबूल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।